तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल दुनिया में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जिसमें से एक फ्रॉड ऐसा भी है कि आपके नाम पर किसी और का मोबाइल नंबर का रजिस्टर्ड होना। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा हो रहा है फ्रॉड कि नाम आपका रहेगा और मोबाइल नंबर किसी और के पास रहेगा। ऐसे में अगर किसी और ने कुछ गलती की तो जिम्मेदारियां हमारे ऊपर हो जाएंगी। तो ऐसे में हमारी सरकार ने एक वेबसाइट पोर्टल जारी किया है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि आपके नाम पर कितने नंबर रजिस्टर्ड हैं, और साथ ही साथ आप ये भी पता कर सकते हो कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आप ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल नंबर को आप बंद करवा सकते हो, ब्लॉक करवा सकते हो। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो आइए करते हैं इस वीडियो का श्री गणेश। दोस्तों आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है sancharsarthi.government.in और फिर एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही ये वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन लिखा हुआ है, नो मोबाइल कनेक्शन इन योर नेम। आपके नाम पे कितने मोबाइल कनेक्शन लिए गए हैं आप वहाँ से पता कर सकते हो। आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके यहाँ नीचे आना है। यहाँ आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, ब्लॉक योर लॉस्ट और स्टोलन मोबाइल। अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है, आप यहाँ पर अपने अप्लाई करके मोबाइल नंबर को ब्लॉक करा सकते हो। और यहाँ पर है नो योर मोबाइल कनेक्शन, मतलब आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं वो आप यहाँ से पता कर सकते हो। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं नो योर मोबाइल कनेक्शन। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। आपको यहाँ अपना मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद नीचे में आपको कैप्चा फिल करना है, उसके बाद यहाँ वैलिडेट कैप्चा करना है। आपके मोबाइल नंबर पर चला गया होगा एक OTP, आपको उस OTP को यहाँ पे लिखना है और लॉगिन करना है। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया। आप यहाँ देख सकते हो कि मेरे नाम पर इतने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हैं और ये बिल्कुल मेरे सही है जो मुझे बता रहा है एज पर द रिपोर्ट। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि जो नंबर यहाँ मेंशन किए गए हैं, फर्स्ट के 2 डिजिट और लास्ट के 4 डिजिट, और आपका ये नंबर आपके पास नहीं है, आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ फ्रॉड किया है या कोई गलत नंबर चढ़ गया है, तो आप इस सिंपल सा इस बॉक्स में क्लिक करोगे, नॉट माई नंबर पे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप रिपोर्ट कर दोगे और इसके बाद गवर्नमेंट द्वारा एक्शन ली जाएगी। अगर ये नंबर ये फ्रॉड होगा या फिर गलत होगा तो आपके नाम पर से ये नंबर गवर्नमेंट के द्वारा हटा दिया जाएगा। जब आप यहाँ रिपोर्ट करोगे तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर मिलेगा, उस रिक्वेस्ट नंबर को आप यहाँ डाल के ट्रैक बटन पे क्लिक करके आप पता कर सकते हो कि आपकी प्रोसेस कहाँ तक हुई है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड ऑप्शन की, जो की है ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल। तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने ये वेबसाइट खुल के आ जाएगा। यहाँ आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड कराई गई है, जहाँ पर आपको रेड वाली ऑप्शन है कि आपको ब्लॉक स्टोलन और लॉस्ट मोबाइल, अगर आपका मोबाइल यहाँ चोरी या फिर खो जाता है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसे ब्लॉक कर सकते हो, और अगर आपका मोबाइल मिल जाता है तो फिर आप स्क्रीन बटन पर क्लिक करके उसे अनब्लॉक भी कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन है चेक रिक्वेस्ट स्टेटस। जब आप ये रिक्वेस्ट करोगे तो आपको एक रिक्वेस्ट नंबर दी जाएगी जहाँ पर आप इसे चेक कर सकते हो। तो आइए चेक करते हैं ब्लॉक स्टोलन लॉस्ट मोबाइल में कि किस तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे। क्लिक करते ही ये पेज आपके सामने खुल के आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डिवाइस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, मोबाइल नंबर 1, मोबाइल नंबर 2। अगर आपका मोबाइल डुअल सिम सपोर्ट करता है तो यहाँ पर आप पहला नंबर डालोगे और यहाँ पर आप दूसरा नंबर डालोगे। अगर आपके पास IMEI नंबर दोनों मोबाइल के हैं तो आप यहाँ डाल सकते हो, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं। उसके बाद आप यहाँ डिवाइस की ब्रांड डालोगे कि आपकी मोबाइल किस कंपनी की है, डिवाइस मॉडल डालना है आपको। उसके बाद अगर आपके पास मोबाइल का बिल है तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। उसके बाद लॉस्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ डालना है, यहाँ आपको कहाँ मोबाइल आपका खोया है आप वो प्लेस का नाम डालोगे, डेट डालोगे किस दिन पे आपका मोबाइल गुम गया है या फिर चोरी हो गया है, स्टेट का नाम डालोगे, डिस्ट्रिक्ट का नाम डालोगे, उसके बाद पुलिस स्टेशन वहाँ का सेलेक्ट करोगे और यहाँ पर आएगा पुलिस कंप्लेंट नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि अगर आपका मोबाइल खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो आपको पुलिस कंप्लेन करना ज़रूरी हो जाता है अगर आप यहाँ से अप्लाई कर रहे हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पुलिस स्टेशन जाके या तो आप FIR दर्ज करा दो या फिर आप ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हो। उसके बाद आपको जो पुलिस कंप्लेंट द्वारा नंबर दी जाएगी वो नंबर को आपको यहाँ डालना है और उस पुलिस की FIR कॉपी को आपको चूज फाइल करके PDF में अपलोड कर देना है। अब लास्ट थर्ड सेक्शन में आते हैं जहाँ पर लिखा है मोबाइल ओनर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो जिनके नाम पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो ओनर का नाम यहाँ पे आएगा, उनके एड्रेस आएंगे, अपलोड आइडेंटिटी में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आधार, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अदर आइडेंटिटी। उसकी आपको एक कॉपी यहाँ पर अपलोड करनी है चूज फाइल करके। उसके बाद आपकी आइडेंटिटी नंबर डालनी है, अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो आधार कार्ड की नंबर यहाँ डालोगे, पैन कार्ड सेलेक्ट कर रहे हो तो पैन कार्ड की नंबर यहाँ डालोगे।
ईमेल आईडी डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि ईमेल आईडी आप डाल दो ताकि आपको कोई अपडेट्स आएंगे तो आपको ईमेल पे मिल जाएंगे। उसके बाद इस कैप्चा को आपको यहाँ बॉक्स में फिल करना है। आपके पास कोई अल्टरनेट नंबर होगा, उस नंबर को आप यहाँ पर डाल के गेट ओटीपी कर देना है और डिक्लेरेशन पे क्लिक करके सबमिट कर देना। और आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नंबर आएगा, वो रिक्वेस्ट नंबर आपको कॉपी कर लेना है या फिर किसी नोटपैड में नोट कर लेना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको वापस से संचार साथी साइट पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस पे क्लिक करना है। यहाँ आपको रिक्वेस्ट आईडी में वो रिक्वेस्ट नंबर भरना है और सबमिट करना है। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपका मोबाइल नंबर को ब्लॉक कर दिया गया है कि नहीं किया गया है या फिर वो इन प्रोसेस में है। और दोस्तों, अगर आपका मोबाइल मिल जाता है और आपने उसे ब्लॉक करवा दिया है तो आप यहाँ ग्रीन बटन पर जाकर अनब्लॉक फाउंड मोबाइल पर क्लिक करके आप अपने मोबाइल को नंबर को अनब्लॉक कर सकते हो। उसकी प्रोसेस देख सकते हो आप यहाँ पर कि जो रिक्वेस्ट आईडी आपको ब्लॉक करने के बाद मिली है उसे आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद जो ओटीपी के टाइम पर आप जो अल्टरनेटिव नंबर जो आपने प्रोवाइड कराया था, चाहे आपके रिलेटिव का था या फिर आपका कोई और अदर मोबाइल नंबर था, तो वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद रीजन फॉर अनब्लॉकिंग यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपको मोबाइल पुलिस के द्वारा रिकवर्ड की गई या फिर आपने खुद मिल गया, ब्लॉक्ड बाय मिस्टेक, गलती से आपने ब्लॉक कर दिया, या फिर अदर रीजंस आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा भरना है। कैप्चा भरने के बाद आपको यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, जो मोबाइल नंबर आपने यहाँ डाल रखा है, और यहाँ पर गेट ओटीपी कर देना है। ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी फिल करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका ब्लॉक्ड मोबाइल नंबर है वो अनब्लॉक कर दिया जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो काफ़ी मददगार साबित हुई होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जागरूक बने, आगे बढ़े। धन्यवाद।